नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। वाराणसी के हरहुआ विकासखंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार के कार्यकाल को एक साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य पहुँचे। इस आयोजन का मकसद एक साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करना और उसे जनता तक पहुंचाना रहा। ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे ब्लॉक क्षेत्र में मैं रात दिन जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं और हमने पिछले एक साल में क्या कुछ काम किए हैं वह सार्वजनिक करना और जनता तक उसे बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। साथ ही साथ जहाँ कहीं कुछ त्रुटियाँ रह गई है उसमें सुधार करने का भी भविष्य में कार्य किया जाएगा, जिससे आमजन को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो सके, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। कार्यक्रम में आप शिरकत की हैं, क्या कहेंगे? आज यहाँ की उपाध्याय जी का आज पूरा एक साल पूरा हो गया है और उस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पे आदरणीय विधायक जी और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो वंचित हैं, जो हमारी सीमाएं में हैं, उसको पूरा करेंगे और जो हमारी सीमाएं से बाहर है अभी हमने अपील भी किया अपने विधायक से और अपने अध्यक्ष जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, और हम भी दो तीन दिन पहले गए थे हमारे क्षेत्र के सांसद और भारत के मंत्री माननीय सिंह मेहनाथ पांडे जी, उनसे भी हमने कोई प्रस्ताव दिया है कि जो हमारे बजट से बाहर है उसको पूरा करें, वो लोग जिससे कि क्षेत्र का विकास हो और लोग संतुष्ट।